can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been down here trying to kill it. Most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I... Oh, no. Hey, damn. Bubbly. तो भाई आज की इस वाली वीडियो को देखने से पहले ना भाई आप अपने दिमाग में ना एक वो वाला दिन याद रहो जिस दिन तुम पबजी में यार सिर्फ ग्रेनेड से मर रहे हो, क्योंकि यार कल रात से मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, मतलब मैं इतनी बार ग्रेनेड से मर चुका हूँ कि यार मैं आज सोच रहा था कि एक ग्रेनेड से मरने का मोन्टाज बना के डाल दूँ। मतलब यार कैसे भी, मतलब अंडरसंड नेड आ रहे हैं, मैं उनसे मर रहा हूँ। अब भाई किस्मत खराब थी तो क्या करे। सो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। तो भाई आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में हम उतरे थे भाई पोचिंग की, और पोचिंग की में यार हमारे साथ एक और स्कूड कूदी थी, तो मेरा मूड नहीं था भाई इनसे गन फाइट लेने का, क्योंकि गन फाइट में इनको गन मिलती और पता चले मेरे को गन नहीं मिलती तो यहीं पर अपन की क्रेट बन जाती। तो मैं फटाफट पहले इधर आता हूँ ब्लू हाउसेस की तरफ, और फटाफट यार यहाँ पर मेरे को एक गेम मिल जाती है। एंड इसके बाद यार इसी रो में राइट साइड की तरफ यार एक और स्कूड कूदी थी, तो लूट वगैरह करने के बाद अब मैं उन पर पुश करने वाला हूँ। अब जैसे यार मैं यहाँ पे लूट मार रहा था ना, तो मेरे टीममेट्स का कॉल आता है कि भाई इसी रो में आगे एक पूरी की पूरी स्क्वाड है, तो यहाँ पर अब मैं पूरा संभल के खेलता हूँ और देखो भाई इस वाले स्क्वाड को हम कैसे मारेंगे। अब भाई यहाँ पर यार सामने वाली स्क्वाड के दो बंदे नोकते, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना अब इनके ऊपर पुश किया जाए। अब जैसे यार मैं इनके ऊपर पुश कर रहा था ना, तो इसका जो टीममेट था भाई वो क्या ही कमाल का कवर देता है। अब भाई यहाँ पर मैं पूरा रेडी हो गया था बिल्कुल 10 HP में कि इनका लास्ट वाला बंदा आएगा और मैं उसको मारूंगा, पर सही टाइम पे यार लेजेट आ जाता है जो कि इनके लास्ट वाले बंदे को मार देता है। अब जैसे यार हम इस वाली स्क्वाड को मारते हैं ना, तभी भाई एक और स्क्वाड का बंदा आ जाता है यहाँ पर। अब शायद यार ये वाला बंदा अकेला बचा था पोचिंगी में, तो इसको तो मैं आराम से मार देता हूँ। एंड इसके बाद भाई एक और स्क्वाड पहुँच जाती है हम पे थर्ड पार्टी करने के लिए, एंड लगे हाथ भाई वो मेरे टीममेट को भी नॉक कर देती है। तो भाई कुल मिला के जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, तो देखो भाई अब आगे क्या होगा। अब काफी देर टीपीपी लेने के बाद मेरे को पता चलता है कि जो एनिमी है ना भाई वो एक गड्ढे में है और एक सामने दीवार पे बैठा है। एंड इसके बाद जब मेरे को पता चलता है ना कि भाई वो दीवार पे, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि उनका ध्यान बटाओ, मैं पूरा राइट से रोटेट कर रहा हूँ। पर यार एक एनिमी काफी ज्यादा चलाक रहता है, उसको पता चल जाता है मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो भाई वो घर में आ जाता है। उधर ही रहना, बंदे आ रहे हैं।
अब भाई ये दो ही बंदे रहते हैं, इधर मैं इस वाले बंदे को मारता हूँ एंड उधर मेरे टीममेट्स इसके दूसरे बंदे को मार देते हैं। कुल मिला के भाई ये वाला डुओ भी क्लियर हो गया था। एंड जैसे यार मैं बाहर की तरफ आता हूँ तो सामने एक बोट आता है, तो इस वाले बोट को मारने के बाद हम इनकी क्रेट्स वगैरह लूटते हैं एंड रेडी हो जाते हैं दूसरी स्क्वाड के लिए। अब भाई यहाँ से मैं चुपचाप जा ही रहा था तभी यार मेरे को सामने वाले घर से एक बंदे का साउंड आता है कि वो बंदा कोई इस घर के अंदर घुसा है। तो यहाँ पर मैं हार्ड स्कोप लेता हूँ और वो मेरी चपेट में भी आ जाता है। भाई कैसा लगा यार ये वाला कमाल का क्लच? अगर अच्छा लगा हो तो भाई इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। एंड इस वाली लास्ट वाली स्कोर के साथ जो अपना पोचिंग की था वो भी क्लियर हो जाता है। एंड इसके बाद लूट वगैरह करने के बाद हम यहाँ से बग्गी वगैरह उठाते हैं एंड आगे जाके यूएस वगैरह लेके अपने टीममेट्स को बैठा के भाई हम फिर से यार बंदों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो भाई पोचिंगी से निकलने के बाद हम स्कूल भी देख लेते हैं, रोजोक भी देख लेते हैं एंड लगे हाथ यार हम सोचते हैं कि ये सामने वाले कंपाउंड भी चेक करते हुए चलते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमको कुछ बंदे मिल जाते हैं। अरे 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 कवर कवर में मार दीस। अब भाई कुल मिला के ना ये वाली स्क्वाड बड़ा ही गजब का गेम प्ले दिखा रही थी। बंदा इनका मरा है, पैनिक इन्हें होना चाहिए, पर यार पैनिक तो इन्होंने हमें ही कर दिया। तो देखो भाई अब आगे क्या होगा। तो भाई फाइनली यार ये वाली स्क्वाड ओल्ड एड हो जाती है एंड मानना पड़ेगा भाई बंदों ने क्या ही नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले दिखाया है। अब हमारा एक बंदा फ्लैंक कर देता है और ये छत पे थे तो इस वजह से भाई इनको नीचे कूदना पड़ा। खैर जो भी था भाई ये वाली स्क्वाड के मरने के बाद हम फिर से यार अपनी गाड़ी उठाते हैं। अब जो जोन था ना वो थोड़ा सा हल्का सा करवट जो ले रहा था वो जॉर्जो पोल की साइड ले रहा था, तो हमने सोचा भाई कि लगे हाथ अपना जॉर्जो पोल भी चेक कर लेते हैं। एंड जैसे यार हम जॉर्जो पोल जा रहे थे ना तभी भाई हमारी मुलाकात हो जाती है बीच में ही एक स्क्वाड से। तो भाई देखो अब आगे क्या होगा। अब भाई यहाँ पर आए तो थे हम इन पे रस करने, लेकिन यार इनकी फाइट तो किसी और से ही चल रही थी। कुल मिलाकर जब मेरे को पता चलता है कि भाई इनकी फाइट हो चुकी है तो भाई मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और इनके ऊपर थर्ड पार्टी कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पर यार मैं इस वाले बंदे को तो मार देता हूँ लेकिन यार अपने टीममेट को नहीं बचा पाता। अब यहाँ पर हम सिर्फ दो बंदे बचे थे एंड अभी भी भाई यहाँ पर एक और स्क्वाड बाकी थी। तो सबसे पहले यार मेरे को सामने वाले की क्रेट लूटनी थी, मेरे को देखना था कि भाई उसकी क्रेट में क्या है। लेकिन यार ये बंदे मतलब क्या ही गजब का मिनी चला रहे थे और क्या ही मतलब कवर वगैरह लेके खेल रहे थे। तो सबसे पहले मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ एंड जैसे यार मैं क्रेट लूट रहा होता ना तभी भाई इनका एक बंदा हम पे पुश कर रहा होता है। अब भाई इस वाले बंदे को मैंने बड़ा गजब का डैमेज दिया था तो मेरे को पता था कि भाई ये बिल्कुल रिट होगा, तो भाई यहाँ पर मैं इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। लेट गया मास्टर साहब, लेट गया।
भैया सामने से ओपन से आ रहा है। अब कुल मिला के भाई हमने यार इनके दो बंदों को नॉक कर दिया था एंड अब बस एक लास्ट वाला बंदा बचा था जो यार मिनी चला रहा था। अब वो जो बंदा था ना उसको लास्ट बार देखा गया था सामने वाली थ्री स्टोरी में। तो यहाँ पर मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं जाऊँगा ओपन से एंड मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तुम गाड़ी लेकर सीधा जाओ एंड ठोक दो, मतलब मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा। लेकिन यार वो बंदा तो कहीं और ही निकलता है। मतलब कुल मिला के भाई इस लोबी के बंदे कुछ ज्यादा ही आईक्यू लगा के खेल रहे थे। अब इसके बाद हम इसकी क्रेट वगैरह लूटते हैं एंड क्रेट वगैरह लूटने के बाद जो अपना जोन था वो भी बन गया था, तो हमको फटाफट जोन में भी निकलना था। अब भाई वो वाली घड़ी आ गई ना जहां पर मैं नेट से मरने वाला हूँ। जी हाँ, मतलब इतनी फूटी किस्मत थी यार मेरी, तुम खुद ही देखो भाई मेरे किल्स भी अच्छे खासे हो गए थे एंड मेरे को लग रहा था कि भाई ये मैच तो हमारा चिकन डिनर है, पर देखो भाई क्या हो जाता है हमारे साथ। नीचे दिख गया, हाँ नीचे अभी भाग रहा था ना। क्या क्या पीछे नीचे भी एक बंदा है। अब भाई यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो मैं नेट से नॉक हुआ ही हुआ, लेकिन जो मेरा टीममेट था भाई वो भी नेट से मरा। अब मेरे को नहीं पता यार मेरे साथ ये कल रात से क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ भाई जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। तो बस गाइज आज की वाली गेम प्ले वीडियो में इतना ही था। सो यार मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को गेम प्ले वीडियो में जरूर से मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक तो आप सभी ने कर दिया होगा एंड यार चैनल पर पहली बार आ रहे हो एंड इसी तरह की और भी अमेजिंग गेम प्लेस देखने हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना एंड थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो भाई वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। पीस।